हे हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज श्रुतिक इद्वंशी एंड आज मैं आपको बताऊंगा एनेमो कैम के बारे में। बेसिकली एनेमो क्या होता है, वहां पर एक एमबीबीएस स्टूडेंट का क्या रोल होता है, वो वहां पर क्या क्या चीज़ें सीखता है एंड उसकी लाइफ से कुछ चीज़ें कैसे रिलेट करती है, ये सारी चीज़ें आप जानोगे इस वीडियो में। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड आई एम गोइंग देयर विद माई रिस्पेक्टेड सीनियर एंड माई बैचमेट्स। और जो एनएमओ जो होता है वो नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है नीडी पीपल्स को। कैंप के थ्रू हर महीने की जो संडेज होते हैं, इन संडेज में कैंप लगाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर, जहां पर उस स्टेट्स के डॉक्टर्स आते हैं और उस स्टेट के मेडिकल कॉलेज से बच्चे आते हैं, उन्हें कंसल्ट करते हैं, उनसे सीखते हैं कि पेशेंट से कैसे बात की जाती है, उन्हें कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे से उनकी क्यूरीज को सॉल्व किया जाता है एंड वहाँ की जो कॉमन लैंग्वेज होती है उस कॉमन लैंग्वेज से भी वो इंटरेक्ट करते हैं। एंड फाइनली हम इस जगह पर पहुँच चुके हैं एंड ये एक विलेज एरिया है और ये जो कैंप लगा है ये एक स्कूल में लगा है। तो अभी पेशेंट आना स्टार्ट नहीं हुए हैं बिकॉज ग्राउंड पूरा खाली लग रहा है। टिल देन लेट्स पार्क आवर एक्टिवा एंड बी रेडी एंड दिस इज माय स्टेथोस्कोप एंड नाउ आई एम रेडी टू गो। सो ये जिस स्कूल में लगा है उस स्कूल की ये रही एंट्रेंस एंड फर्स्टली जो एक रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया गया है जहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन होगा, देन अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जिनको एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाएगा और इस नंबर पर पेशेंट्स और रजिस्ट्रेशन स्लिप को लेकर आएंगे एंड वहाँ पर उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा एंड ये एक मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है एंड यहाँ पर सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक, पेडियाट्रिक, गायनो, डर्मो एंड डेंटल, आयुर्वेदा, ENT सारे के सारे डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, जिनको कंसल्ट करने वाले एम्बिशंस रहते हैं, जो उनके सीनियर्स से सीख रहे होते हैं। बेसिकली इस गेम का मोटो जो होता है लोगों को हेल्थी रखना तो होता है लेकिन साथ साथ अवेयरनेस को भी फैलाना होता है। जैसे कि डेंटल वाले डिपार्टमेंट के ऊपर कोई आता है तो उन्हें इस बारे में अवेयर किया जाता है कि स्मोकिंग से एंड टोबैको से क्या क्या लॉजेस होते हैं एंड मोस्टली जो कॉमन डिसीजेस होती है जैसे डेंगू, मलेरिया, इन सभी के कैंपेन चलाए जाते हैं और वहाँ पर उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि इनसे कैसे खुद को प्रिवेंट करें। तो वहाँ पर वहाँ के रिस्पेक्टेड कलेक्टर सर आए, उन्होंने पहले वहाँ पर पूजा अर्चना की, पूजा अर्चना के बाद उन्होंने डॉक्टर्स टीम को काम करके ऑब्जर्व किया, देन तो सारे डिपार्टमेंट पर जाकर फिर इंस्पेक्टर डॉक्टर से मिले, देन उन्होंने उनसे बात की। देन उसके बाद वृक्षारोपण किया गया, देन वृक्षारोपण के बाद ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद सारे पेशेंट्स वगैरह आने बंद हो गए थे क्योंकि कैंप का टाइम ओवर हो चुका था। देन इसके बाद वहाँ पर फोटो सेशन हुआ, देन फिर हमने वहाँ पर बहुत सारे फोटोज लिए एंड मिनिमम 533 पीपल इस चीज़ का फ़ायदा ले सके उस कैंप के थ्रू। देन वी वेंट टू आवर होम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे, बाय बाय।